व्हाट्सअप गाइज, वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का फ्री फायर के एक और एक्साइटिंग वीडियो में। तो भाई लोग सॉरी, मुझे ये वाला जो अपडेट है कुछ देर पहले ही आया था, तो मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भाई यहाँ पर जो गेम के अंदर कुछ अपडेट्स आई है ब्रिक्स, मतलब पता नहीं क्या था वो अपडेट, जिस आप स्क्रीन पर देख पा रहे, जो न्यू अपडेट आया है ना, मतलब कौन सा बंडल है, नाम बोल रहा हूँ उसका, ये बंडल का। तो मैं एक ब्लॉग शूट कर रहा था, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो कम्युनिटी में एक फोटो पोस्ट किया, जिसमें मैंने बताया था कि अपने गांव का जो ब्लॉग होता है वो मैं पोस्ट करूंगा। तो मैं यहां पर ब्लॉग शूट कर रहा था, जिसकी वजह से मैं मतलब गेम को ओपन नहीं कर पाया और मैंने देख नहीं पाया। तो खैर कोई बात नहीं, मैं आपको अभी बता दूंगा कि वो किस तरीके से वर्क करता है और उसका जो मतलब काम क्या है और उसे आपके यूज में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, टोटल आपको डिटेल्स बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। तो ज़्यादा बात को लामाने करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करने लाइक लेते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री फायर गेम से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। और गाइज वो ब्लॉग जो है मतलब मिस मत कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा मेरा मतलब बिल्कुल ही मेरा जो लाइफ स्टाइल है उस पर है, जो मेरा रियल लाइफ स्टाइल उस पर है, और मैंने जो गाँव का जो थोड़ा सीन है वो है, मतलब देखने में थोड़ा सा मतलब अच्छा लगेगा आपको देखने में, तो जरूर देखिएगा। तो सिंपली अगर हम लोग न्यूज वाले सेक्शन पे यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है एक बोर्ड जहाँ पर लिखा हुआ बिल्ड ए स्कल किंग। तो यहाँ पर सिंपली आपको मतलब इसका जो रूल है थोड़ा सा आपको पढ़ लेना पड़ेगा, पढ़ने के बाद यहाँ पर सबको देखिए लिखा हुआ मिल जाएगा। नंबर वन पे यहाँ पर ब्रिक्स, वहाँ पर आपको मतलब आगे चल के दिखाऊंगा। तो वहाँ पर लिखा हुआ वन ब्रिक्स इक्वल टू एक्सप्लोसिव ब्रिक्स ग्रेनेड स्किन। तो यहाँ पर से हम लोग ब्रिक्स का जो ग्रेनेड स्किन होता है ना वो आपको मिलेगा, ठीक है, मतलब जो जंप पॉइंट आने वाला है उसमें हम लोग ब्रिक्स का जो ग्रेनेड मिलने वाला है उसका आपको स्किन मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर वन ब्रिक्स मिलता है तो वहाँ पर आपको एक ग्रेनेड मिलेगा, ग्रेनेड की स्किन मिलेगी। सेकंड में दो ब्रिक्स मिलती है तो आपको 2x वेपन रॉयल का जो वाउचर होता है वो मिलेगा। तीन अगर मिलती है तो यहाँ पर आपको 3x डायमंड रॉयल वाउचर मिलेगा। अगर चार ब्रिक्स निकलती है तो यहाँ पर आपको ब्रिक्स हेड, क्या लिखा भाई, ब्रिक्स हेड गियर आपको मिलेगा। और पांच अगर आपको निकलते हैं ब्रिक्स तो यहाँ पर आपको मैड ब्रिक्स मैन बंडल आपको मिलेगा, ये वाला जो बंडल है ना ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से हम लोग चलते गो टू पर क्लिक करते हैं, उसको आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग को क्या क्या होता है। तो यहाँ पर आपको सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगी, एक में आपको ये ग्रैंड की स्क्रीन मिलेगी, दूसरे में आपको ये मिलेगा, तीसरे में आपको ये मिलेगी, चौथे में आपको ये, पाँचवें में आपको ये। तो यहाँ से आपको ये गेट फ्राइज और ब्रिक्स, तो यहाँ पर आपको फ्री में करना पड़ेगा एक बार, मैं देखता हूँ ट्राई करके तो क्या निकलता है। भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, हायाटो का फ्रैगमेंट मुझे मिला, ठीक है, वन स्पिन बराबर 50 डायमंड, पांच स्पिन बराबर 225 डायमंड। तो यहाँ पर जो ये चीज़ मतलब मेरे ख्याल से फालतू है, आपको यहाँ से ट्राई नहीं करना, तो मैं यहाँ पर ट्राई कर देता हूँ। फर्स्ट स्पिन आपको फ्री में मिला, तो फ्री में मुझे यहाँ पर जो मिला है वो फ्रैगमेंट मिला। अगर मैं दूसरा बार ट्राई करूँगा तो दूसरे बार के लिए मुझे 50 डायमंड वेस्ट करना हो, तो मैं यहाँ से ट्राई करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग तो समझ में आ जाए कि यहाँ पर मुझे क्या निकलती है और आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो फिर से आप देख पा रहे हैं मुझे यहाँ पर जो मोको का वो फ्रैगमेंट मिला है, कैरेट यहाँ पर मिला है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप इस चीज़ को भूल के भी ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ये फालतू है। यहाँ से आपको डायमंड जो लूट रहा है झुट मुट के, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। और वो जो ब्रेक्स बंडल होता है वो भी आपको नहीं चाहिए, वेपन रॉयल वाउचर जो अगर आप चाहते हैं तो वो ऐसे भी ले सकते हैं, डायमंड रॉयल वाउचर वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये जो ब्रेक्स वाला बंडल है वो तो आपको चाहिए ही नहीं। साथ ही साथ वहाँ पर हम जो ब्रेक्स का जो ग्रेनेड होता है वो भी आपको नहीं चाहिए। तो मैंने जो आपके सामने था, मैंने जो चीज़ था मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने यहाँ पर 50 डायमंड वेस्ट किया, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ मोको का फ्रैगमेंट है और उसके बाद यहाँ पर हायाटो का फ्रैगमेंट मुझे मिला, उसके बाद आपको यहाँ पर मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तो आप इस चीज़ को अगर ट्राई करना चाहते हैं, अगर आपको ज़्यादा डायमंड है तो आप ट्राई कर सकते हैं, वरना मैंने आपको जो मेरा सजेशन है वो आपको दे दिया, ताकि आपको बाद में ये नहीं लगे कि भाई आपने मुझे बताया नहीं मेरा इतना डायमंड वेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसलिए आप इसे ट्राई मत कीजिएगा। तो आज की वीडियो आपको इतना सही बताना, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और भाई लोग व्लॉग वाला वीडियो मतलब मिस मत कीजिएगा, भाई लोग वो जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।